नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। और आज हम लोग फिर से गाड़ी को लेके आए हैं जो कि है अपनी नई नवेली क्रेटा। तो ये है क्रेटा एयरलाइन जैसा कि आप देख रहे हैं, और ये समय लॉन्च हो चुकी है और साथ ही साथ इसमें कई सारे बदलाव हुए हैं, कॉस्मेटिक चेंज ज़्यादा हुए हैं और थोड़ी बहुत यहाँ पर आपको मैकेनिकल चेंज भी देखने के लिए मिलेगा इस गाड़ी में। उससे मुझे थोड़ा ज़्यादा और यहाँ पे ये एग्रेसिव लुक लग रहा है और स्पोर्टियर लग रही है। और बोनट वगैरह तो वैसे ही बोनट की डिज़ाइन सब यहाँ पे आपको वैसे ही का वैसा देखने के मिलेगा। बाकी जो चेंज हुआ है वो मेनली चेंज आपको साइड में देखने के मिलेगा। तो साइड प्रोफाइल पे चलते हैं और देखते हैं वहाँ कुछ क्या बदलाव हुआ है। तो सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे एनलाइन की बैचिंग आपको देखने के मिल जाती है और रेड लाइनिंग, ऑब्वियसली एनलाइन है तो यहाँ पे रेड लाइनिंग आपको देखने के मिलती है। और यहाँ पे क्रेटा को जो है वो कुछ ना कुछ लाना था, यानी कि हुंडई को कुछ ना कुछ लाना था, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी एक्स लाइन से आपको जो सेल्टॉस है वो किया में मिलती है। तो यहाँ पे इन्होंने आखिरकार ला ही दिया क्रेटा एनलाइन को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक कैलिपर जो है वो रेड कलर में आपको देखने के मिलते हैं, साथ में यहाँ पे साइड में आपको क्लैडिंग के नीचे आपको रेड लाइनिंग देखने को मिलती है जो कंटिन्यू होती है पीछे तक जाती है। और ये इसको थोड़ा और स्पोर्टियर फील देती है और थोड़ा ज़्यादा स्पोर्टियर लगती है आगे देखने में। बाकी आप देखेंगे यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में आपको ओवरगम्स देखने के मिल जाते हैं। ठीक नीचे इसके यहाँ पे कैमरा माउंट है क्योंकि एडास फीचर इसमें आ चुका है, 360 डिग्री कैमरा है यहाँ पे। साथ ही साथ यहाँ पे डोर हैंडल जो है वो वाइटी कलर में है, ये आप देख रहे हैं, और कुछ इस तरह से आपको देखने के मिलते हैं डोर हैंडल। और इसके बाद पीछे आते हैं हम, तो यहाँ पे भी सेम उसी कलर में बॉडी कलर में आपको देखने को मिलते हैं। ऊपर की तरफ रूफ रेल आपको देखने को मिलती है पियानो ब्लैक फिनिश में, क्योंकि काफ़ी अच्छी लगती है देखने में। और यहाँ कुछ ज़्यादा आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। एंड की बैचिंग आपको देखने को मिलती है व्हील्स पे, और यहाँ पे जो डायमंड कट अलॉय व्हील हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। और साथ ही साथ ब्रेक कैलिपर जो है रियर में भी आपको रेड लाइनिंग वहाँ पे रेड कलर का काम देखने के लिए मिलता है। तो कुछ इस तरह से साइड प्रोफाइल देखने का गाड़ी का। चलिए अब चलते हैं रियर में और देखते हैं रियर में क्या बदलाव हुए हैं। तो रियर में आप सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि एनलाइन की बैचिंग आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जाती है, और यहाँ पे कुछ इस तरह सा लुक आपको देखने के मिलता है कार का। रेड लाइनिंग यहाँ पे आपको नीचे की तरफ देखने के मिलती है जो कि कंटिन्यू है यहाँ पे भी, और जो नीचे क्लैडिंग है उसको काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टियर बनाती है। थोड़ा हम नीचे बैठते हैं और हमको यहाँ पे देखने के मिलता है कुछ इस तरह से काम किया गया है, और साथ ही यहाँ पे ड्यूल एग्जॉस्ट देखने के मिलता है तो इसको और ज़्यादा स्पोर्टियर बनाता है। और यहाँ पे आपको कट कर दो, तो जो ड्यूल एग्जॉस्ट है ये दोनों वर्किंग में है, ऐसा नहीं है कि ये कोई डमी लगाया है या फिर किस तरह से लगाया है। और चलिए यहाँ पे देख रहे हैं आप एसएस हुंडई की पैचिंग, लखनऊ में हम लोग खड़े हैं इस समय शोरूम पे। तो आपको कभी भी क्रेटा लेनी हो तो बेस्ट प्राइस में आपको देखने के मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और नीचे डिस्प्ले पे भी आपको नंबर शो हो रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं कार पे हम कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पे आपको रियर वाइपर भी देखने के लिए मिल जाता है गाड़ी में पीछे की तरफ। हाई माउंट स्टॉप लैंप इस तरह से आपको बड़ा सा देखने के लिए मिलता है, और साथ ही साथ इसको और ज़्यादा स्पोर्टियर बनाता है ये स्पॉइलर जो कि सोने पे सुहागा है, काफ़ी अच्छा लगता है। अब गाड़ी जो है वो उस लुक इसका थोड़ा और ज़्यादा इन्हांस हो जाता है इसके लगने के बाद, और स्पोर्टियर फील देती है गाड़ी। ऊपर आप देखेंगे शार्क फिन एंटीना आपको देखने के मिलता है पियानो ब्लैक फिनिश में ही, तो काफ़ी अच्छी लग रही गाड़ी रियर से भी देखने में। क्रेटा की बैचिंग एज यूजुअल आपको यहाँ पे देखने के मिलती है। तो चलिए इंटीरियर में चलते हैं और देखते हैं इंटीरियर में क्या कुछ बदलाव। तो हम लोग गाड़ी के अंदर एंटर हो चुके हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि डोर्स पे कुछ भी बदलाव आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, यानी कि डोर पे कोई भी रेड लाइनिंग रेड स्टिचिंग इस तरह से देखने के लिए नहीं मिल रहा है। डोर सिंपल वैसे के वैसे ही हैं, पर जैसे ही हम नज़र डालते हैं सामने आपको यहाँ पे काफ़ी सारी रेड लाइनिंग देखने के लिए मिल जाती है, रेड वर्क देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सारे का सारा जो है सामने की तरफ देखने के लिए मिलता है आपको डैशबोर्ड पर। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसी रन में इस तरह से रेड लाइनिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है, लाइट देखने के लिए मिल जा रही है एलईडी में। साथ ही साथ यहाँ पे कंटिन्यू है ये लाइनिंग जो आपको डिस्प्ले मिलता है उसमें, और एक बड़ी सी डिस्प्ले यहाँ पे भी मौजूद है जो कि काफ़ी प्रीमियम नज़र आती है। और इसके बाद यहाँ पे रेड स्टिचिंग का काम आपको स्टीयरिंग्स पे भी देखने के लिए मिल जाता है,
और इसको थोड़ा और स्पोर्टियर फील देने के लिए इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। बाकी और कुछ भी ऐसा बदलाव खास आपको देखने के लिए नहीं मिल रहा है। हाँ, सीट्स में आपको कुछ बदलाव देखने के लिए मिलेंगे, जो कि सीट्स की तरफ एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। सीट्स भी देखिए, आपको थोड़ा देखने में स्पोर्टियर फील देगी। रेसिंग चेकर्स जो है यहाँ पे रेड कलर में आपको देखने के लिए मिल जा रहे हैं, रेड लाइनिंग देखने मिल जा रही है और साथ ही साथ रेड स्टिचिंग आपको सीट्स पे देखने के लिए मिल जा रही है, जिसको थोड़ा और स्पोर्टियर बना रही है। हेड माउंट में भी आपको सेम चीज़ रेड स्टिचिंग आपको देखने के लिए मिल जा रही है और हेड रेस्ट तो है ही स्पोर्टियर। बाकी और क्या यहाँ पे स्पोर्टियर है, यहाँ पे आपको मिलेगा गियर। तो यहाँ आप देख रहे हैं एन की बैचिंग आपको देखने के लिए मिल जा रही है, तो किस चीज़ को ये डिनोट करता है आपको पता होगा। साथ ही साथ रेड लाइनिंग यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जा रही है और रेड स्टिचिंग आपको यहाँ पे भी देखने के लिए मिल जा रही है। तो गियर में भी आपको फील मिलेगा स्पोर्टीनेस का। और साथ ही साथ काफ़ी कुछ यहाँ पे वैसे का वैसा ही है, कुछ ज़्यादा बदलाव देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे आप नज़र डालेंगे तो यहाँ पे एडास का जो फीचर है उसके लिए यहाँ पे सेंसर्स कैमरा दिया गया है, और इसके नीचे आप वेरिएंट में जाएंगे तो वहाँ पे यहाँ पे आपको डैश कैम देखने के लिए मिलने वाला है। तो कुछ इस तरह के बदलाव आपको इस गाड़ी में देखेंगे। एक चीज़ देखने वाली है कि रेड लाइनिंग यहाँ पे एसी वेंट्स में इस तरफ तो देखने के लिए मिल रहे हैं आपको, और वो रेड लाइनिंग यहाँ कंटिन्यू है, पर इस तरफ जो ये रेड लाइनिंग आपको देखने के लिए नहीं मिल रही है। एसी वेंट वैसे का वैसा छोड़ दिया गया है, तो कुछ ये यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि अधूरा सा रह गया है, इसको भी रेड कर देना चाहिए। बाकी इंटीरियर में तो गाड़ी जो है वो अच्छी लगी रही है, नो डाउट। रियर में अगर हम नज़र डालें तो रियर में कुछ ऐसा खास बदलाव नहीं है। ये सीट्स जो है वो आपको चेंज देखने के लिए मिलेंगे। स्पोर्टियर फील जो पीछे है वो अभी आपको देखने के लिए मिलने वाला है, रेड स्टिचिंग और साथ में इस तरह का रेड चेकर्स जो है वो आपको पीछे भी देखने के लिए मिलेगा। तो इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन के इर्द गिर्द आप देख रहे हैं यहाँ पे भी रेड लाइनिंग दे रखी है। अब गाड़ी इस तरह से हम लोगों ने ऑन कर दी है, तो डिस्प्ले आप देखेंगे कि ऑन हो चुका है इस समय। तो जो जो फीचर पहले से हैं मैं उनके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, वीडियो बेकार में लंबी हो जाएगी। जैसे कि यहाँ पे सीट वेंटिलेशन जो है ये तो पहले से था, और 360 डिग्री कैमरा, पार्किंग कैमरा का व्यू जैसे कि आप देख रहे हैं, ये सब आपको पहले से ही क्रेटा में देखने के लिए मिलता ही था। और फीचर सनरूफ वो तो ऑलरेडी था और कैसे नहीं होगा, लाइन में भी होना ही था। तो ये यहाँ पर कंटिन्यू है, सनरूफ यहाँ पर भी आपको देखने के लिए मिल रहा है, और साथ ही साथ डोर हैंडल्स यहाँ पे पियानो ब्लैक फिनिश में आपको दे रखे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं रियर में। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि रियर में कुछ भी बदलाव नहीं है। आप देख रहे हैं एसी वेंट वगैरह वैसे के वैसे ही, उसमें कुछ रेड लाइनिंग या इस तरह का कॉस्मेटिक चेंज है वो नहीं देखने के लिए मिल रहा है। और इसके बाद जो आपको सनशेड्स हैं वो तो आपको पहले भी देखने के लिए मिल रहे थे और अभी भी देखने के लिए मिल रहे हैं। तो कुछ ऐसा खास बदलाव नहीं है जिसके बारे में हमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। यहाँ पर कुशनिंग वगैरह एंड लाइन के साथ आपको देखने के लिए मिल रही है, तो ये एक आपको अलग बेनिफिट देखने के लिए मिल रहा है। तो जो भी कॉस्मेटिक चेंज थे कार में वो मैंने सारे आपको बता दिए, बाकी जो भी मैकेनिकल चेंज हैं वो डिस्प्ले पे मेंशन हो ही रहे हैं। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को पसंद आने पर ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली किसी कार के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।